अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली कुकिंग एंड व्लॉग। एक बार हाजिर हूँ फिर मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग लेकर। दो सूट मैंने स्टिच किए थे, एक वेडिंग का था और एक पार्टी वेयर था। तो इन दोनों की ट्राउज़र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग और साथ साथ पूरा सूट भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये था सीक्वेंस का, नेट पे शर्ट थी इसकी और ट्राउज़र इसका सिंपल था। तो मैंने ट्राउज़र के पाइचे पे टिश्यू लगाकर ट्राउज़र के स्टफ की इस तरह से जिग सैग बना ली थी। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से ये डिज़ाइन स्लीव्स पर भी बन सकता है। ये मैंने ट्राउज़र पे बनाया था, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आगे पीछे मैंने इसकी लेस लगाई थी और ये जो जिग सैग है ये आप ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने सेंटर में ली है और नीचे मैंने इसकी लेस लगाई है। आप ये जिग जैग ऊपर और नीचे भी बना सकते हैं, दो लाइनें तीन लाइनें भी बना सकते हैं, या इसको सीधा खड़ा करके भी बना सकते हैं। मुझे सिर्फ ज़्यादा जो है ना, बस थोड़ा सिंपल बनाना था इसलिए मैंने एक ही लाइन बनाई इसकी और बहुत अच्छा लग रहा था ये इसके ऊपर। और ये पहनकर भी बहुत ज़बरदस्त लुक आया था, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे पर भी सिक्वेंस का काम था, बारीक सिक्वेंस का काम था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जैसे सीक्वेंस का काम तो बहुत ही पुराना है और आजकल बहुत ज़्यादा इसका फैशन है और तरह तरह के जो है ना सितारे मार्केट में आए हुए हैं, कोई मोटे हैं, कोई बारीक हैं, कोई पतले हैं, लेकिन मुझे बारीक जो है ना सितारे बहुत पसंद हैं। तो इसके ऊपर बारीक सितारों का काम था इसलिए मैंने ये सूट लिया। और इसका दामन देखें, इसके ऊपर अच्छा खासा चौड़ा बॉर्डर है। यही वजह है कि मैंने शर्ट को बिल्कुल सिंपल सिया है क्योंकि ऑलरेडी शर्ट काफ़ी भरी हुई है और गला भी मैंने सादा बनाया है, कोई लेस नहीं लगाई, सिर्फ स्लीव्स पे मैंने लेस लगाई थी इस तरह से। क्योंकि अगर सूट सिंपल हो तो उस पर डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, ये तो ऑलरेडी इतना फुल है, हैवी भरा हुआ सूट है तो इसे सिंपल ही सीना अच्छा लगता है। क्योंकि ऊपर हम इस पर ज्वेलरी पहन लेंगे। तो ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे बॉर्डर बना है और इसका ट्राउज़र, इसके ट्राउज़र का कपड़ा बहुत ही प्यारा है। तो आपको ये सूट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये था इसका लुक पहनने के बाद। तो जनाब आ जाते हैं अपने सेकंड ड्रेस की तरफ। ये है सिल्क का, मैंने इसका बनाया था फ्लैपर, चौड़े पाइचों वाला फ्लैपर, और जिसे आई थिंक ढाका पजामा भी कहते हैं। एक अम्ब्रेला फ्लैपर होता है और एक ये सादा, मैंने इसको सादा सीधा वाला बनाया था और इसकी पाइचों पे मैंने कपड़े ही की जो है ना पट्टी लगाई थी। मुझे इस पे डिज़ाइनिंग करनी थी लेकिन लेस लगाने से ये इस कपड़े में थोड़ी कड़कनेस आ जाती, जैसे कड़क हो जाता कपड़ा, और सिल्क का कपड़ा फॉलिंग करता हुआ ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये इसकी शर्ट की कटिंग की जो पट्टियाँ बची थी वो मैंने इसके पाइचे पे लगाई थी। शर्ट पे बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ था, तिल्ले का, रेशम का एंड बारीक सितारों का, बहुत ही प्यारा लग रहा था और कैमरा इसको ठीक तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो यहाँ मैंने इस पर इसकी चाक पर मैंने लगाई थी ट्राउज़र के कपड़े की फिनिशिंग पट्टी, जिसे पलटावा पट्टी भी कहते हैं और एप्लिक भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इसकी चाक पे लगाई थी और बॉर्डर दामन पे तो बॉर्डर था। इसका भी गला मैंने सिंपल बनाया है, बहुत ही प्यारा कलर है ये और बहुत प्यारा सूट लग रहा था। ये सूट दिया था मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था जब मेरे भतीजे की शादी हुई थी। तो अब आ रही थी फैमिली में एक तकरीब, तो मैंने कहा मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैं इस सूट को सीऊँगी। अच्छा, इसमें जो लाइनिंग लगी है वो इसका ट्राउज़र था और मैंने इस सूट को थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए इस पर सिल्क का ट्राउज़र में लेकर आई और इस तरह से इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आ गया था। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा इस सूट पर जो खूबसूरत लग रहा था वो इसका दुपट्टा था। इसमें बहुत ही प्यारी मैंने किरण लगाई थी, इस किरण का कलर जो है ना मेरा मोबाइल का कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, ना ही ये गोल्डन है ना ये सिल्वर है, और बहुत ही प्यारा कलर था, यानी कि ये कॉपर कलर भी नहीं था बल्कि जिस कलर का ये सूट है ना इसी कलर की ये मैंने धनक ली थी, किरण ली थी। और देखने में ये थोड़ी गोल्डन लग रही है, ये गोल्डन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारी लग रही थी ये किरण।
और इससे सूट बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जल्द ही मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी, उसमें मैंने ये सूट वेयर किया है और मैं दिखाऊंगी आपको इसका, आपको मेरी ये वीडियो, ये डिज़ाइन और ये ड्रेस कैसे लगे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।